भाई साहब आज के गेम प्ले के अंदर आया हुआ था इग्निस एक्सूट और साथ ही साथ मर्मोरियस एक्सूट वाला बंदा। और यहाँ पे भाई हम लोगों ने लेके रखे हुए थे तीन तीन फूल जोकर सेट, और हमें नहीं मालूम था कि भैया हमारे अगेंस्ट में भी एक फूल जोकर सेट वाला बंदा आएगा। आज का गेम प्ले के अंदर जो ही धमाकेदार तबाही वाली फाइट सीन्स होने वाले हैं, देखने के बाद भैया आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से तीन तीन जोकर सूट का जुगाड़ किया है और उसके साथ आप लोग के लिए गेम प्ले लेके आए हैं, क्योंकि M416 जोकर वाली फूल M416 भी होने वाली, तो बहुत मजा आएगा। तो जिसने भी लगने का लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। अरे कहाँ जा रहा है तू, भी तो जोकर सेट का ही हिस्सा है। अरे इधर आओ, जाने मन कहाँ जा रही हो, चलो भाई। सामने वाला बंदा गुस्सा हो गया, बोल रहा है मेरी जाने माने, फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको मैंने नॉक किया और पीछे से उसके टीममेट ने मुझे नॉक किया और यहाँ पे दूसरे वाले मैंने उस बंदे को नॉक करके ठोक दिया। अब यहाँ मैं हील होता हूँ, रिवाइव होता हूँ, फर्स्ट एड वगैरह लगाता हूँ, तब तक यहाँ पे हर तरफ से बंदे आ रहे होते हैं और प्लेन पाथ भी इधर का ही बन जाता है। सामने साइड स्मोक करके विजन ब्लॉक किया, ऊपर के साइड पैरासूट खुला था तो बंदा आ गया। हेलो भैया, वेनम यहाँ पे आया और गया, और वेनम ने वेनम को मार दिया। भाई क्या चल रहा है, बाय द वे वेनम वेनम से मुझे याद आया कि भैया वेनम का कोलैबोरेशन होने वाला है और जो कि 18 तारीख को आएगा, और वो कोलैबोरेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक करके हम लोग आए सेंटर के साइड पेटी लूटने के लिए, तभी यहाँ पे पीछे साइड मैंने स्मोक कर दिया। मैं बोला भैया रिस्क लेने का नहीं है, अपने टीममेट को दूसरे मिस्टर साइबर स्क्वाड को बोला भैया तुम पेटी खोलो, और तभी यहाँ पे मर्मोरियस एक्स सूट का भी किल मैसेज आया। और यहाँ अंदर यूनिपिन लेके आ गया है दिवाली महोत्सव, जहाँ डेली 5 नए विनर्स को मिल सकते हैं 5,000 रुपीज वर्थ अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स, 25,000 डेली फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। मेगा प्राइज है 2 iPhone 16। इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स में आपको यूनिपिन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके क्लिक करना है और उसके बाद unipin.com पे जाके कोई सा भी यूसी का पैक बाय करिए। अपनी रिसिप्ट की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, टैग करते हुए यूनिपिन इंडिया को। कोई भी ट्रांजेक्शन करो ड्यूरिंग 17th of October से 1st of November, बस यू आर इन द गिव अवे। जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे, तो भूलना नहीं स्टोरी पर यूनिपिन को टैग करना। तो जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो यूनिपिन को इंस्टाग्राम पे, वहां पे सारे विनर्स अनाउंस होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में जाना है, वहां पे आपको यूनिपिन की ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके यहां पे यूनिपिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो आप लोग, और यहां पे आप कुछ भी परचेस कर सकते हो। मैं तो BGMI की यूसी परचेस कर रहा हूं, जिससे आप लोग गिव अवे में एंटर कर लोगे। और सबसे पहले अपनी यूनिपिन के अंदर ID बनाना मत भूलना। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे यूसी बाय कैसे करना है। तो यूनिपिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी कैरेक्टर आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, कोई सा भी मनचाहा पैक सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद नीचे आके पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको अपना मनचाहा मिल जाएगा। बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं, तो कोई सा भी पेमेंट मेथड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो जिससे आपको पे करना हो। मैंने यहाँ पे भी UPI सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे चेकआउट में जाके सेव माई पेमेंट आप कर सकते हो, अगर आपको बार बार ट्रांजेक्शन करनी है। डिटेल्स फिल करो, पेमेंट करो, एंड बूम यहाँ पे आपकी यूसी आपके इन गेम अकाउंट में आ चुकी है। और यूनिपिन इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ क्राफ्टन एंड रायट, दे आर 100% सेफ एंड सिक्योर बाय BGMI यूसी फ्रॉम unipin.com। यहां तक कि BGMI वाले खुद बोलते हैं यार कि जाके यूसी बाय करो फ्रॉम unipin.com। और यहां अंदर साइड से बंदों के फुट्स आने चालू हो गए, मैंने प्री देके उनको रोका। जल्दी जल्दी से लूट वगैरह करी, एक और स्मोक डाल दिया, उसके बाद एक और स्मोक डाल दिया क्योंकि अंदर जाना था मुझे रस करने के लिए। MG3 मिल गई थी। क्या हुआ, फट रही है क्या तेरी? अब यहां तो कोई हमें नजर ही नहीं आया भाई, वैसे तो यहां पे बैठे ही रहते हैं भाई कैंपर दबा के। तो यहां पे हम लोगों ने वेनम को रिकॉल भी कर दिया। एक और यहाँ पे पैरासूट ओपन हुआ जो कि बालकनी की साइड मुझे लगा आया है, लेकिन यहाँ पे वो नीचे की साइड गिर गया। अंदर साइड से बंदे आ गए, मैंने ग्रेनेड कुक किया। एंड बूम, एक बंदा नॉक। अरे यार ये कूद के उधर साइड चला गया, मैंने एक और ग्रेनेड कुक किया।
अब यहाँ पे बाहर के साइड से किसी बंदे ने एक बंदे को नॉक किया था, मैंने उसका किल भी चोरी कर लिया, अपना तो नॉक करके फिनिश कर ही दिया। अब MG3 की पेटियां देखो भैया कैसे तीन लाइन से बनी है और उनके ऊपर वैम्पायर की एनर्जी भी है। अब ये बाहर वाला बंदा भाई बहुत देर से जंपिंग जपांग कर रहा था, मैंने बोला रुको इसकी भी ठुकाई करनी पड़ेगी। मौली करी लेफ्ट साइड से भी बंदे की फोर्स है, यहां पे एक और मौली करी, ये बंदा नॉक हुआ। लेफ्ट साइड दो बंदे थे, एक बंदे को नॉक डाला, अपने टीममेट को बोला कि भाई जल्दी से आ जाओ चलते हैं इन पे रस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं थ्रोएबल्स ढूंढ रहा था भैया यहाँ पे कुछ तो थ्रोएबल्स मिल जाओ। तभी भैंस की टांग, यहाँ पे मर्मोरियस एक्स सूट अपना हिलाते हुए आ गया पंख और यहाँ पे मर्मोरियस एक्स सूट की ठुकाई कर दी। और इधर साइड जिस बंदे को नॉक किया था उस पे रस किया। अब मर्मोरियस एक्सूट, एग्निस एक्सूट वाला बंदा तो उतना अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन मर्मोरियस एक्सूट वाला बंदा अच्छा खेल रहा था। उसकी बेचारे की किस्मत खराब थी, वैम्पायर बन के वो टॉप में आया, लेकिन उसको फुट्स तो आ ही रहेंगे ऊपर, तब भी वो यहाँ पे वैम्पायर बन के आया ऊपर और यहाँ पे उसकी पेटी बन गई, वो भी बड़े आराम से। तो ऊपर फुट्स आ रहे थे, फाइट चल रही थी, तो आया तो था वो बेचारा थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसी के साथ हो गया स्कैम। फिलहाल भी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत लूट वगैरह करी, पीछे की साइड से बंदों के फुट्स आए। आगे खतरा है, दो बंदे मैंने यहां पे नॉक किए जल्दी जल्दी से। अब ये बंदा टीपीपी लेके नीचे के साइड किसी को देख रहा था, मतलब कि नीचे भी कोई ना कोई बैठा हुआ है पक्का। अरे भैंस की टांग, एक तो भाई इनसे बहुत परेशान रहता हूँ और ऊपर से मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोग को, भैया हमारा फिर से माइग्रेशन, मतलब कि टीममेट्स की आवाज ही नहीं आ रही मेरे को, और ये बंदे भैया वहां चढ़ के बैठ जाते हैं, क्या ही बताऊं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जिस बंदे को मैंने भरा था उसने यहाँ पे मेरे टीममेट को भर दिया, तो तुम कहां जा रहे हो भाई, पूरा तो फिनिश हो जाओ। नीचे साइड से बंदे फुट्स आए, भाग के गया ये बंदा। Got supplies on me. अब इसने नीचे के साइड लिफ्ट मंगाई अपनी, मैंने अपने टीममेट्स को बताया कि मैं उधर जा रहा हूँ बंदों पे रस करने के लिए जिनको नॉक किया हूँ। और यहाँ पे भैया देखना, अब यही मेरे को गेम के अंदर बहुत पसंद है। देखो वो बंदा मस्त बैठा हुआ था, मेरी किस्मत अच्छी थी भैया कोने पे नॉक हुआ मैं और यहाँ पे बच गया, नहीं तो अपने टीममेट को कॉल भी नहीं दे पाता कि बंदा है कहाँ यहाँ पे। क्या हुआ लेकिन भाई ये रणवीर सिंह के वॉइस बहुत खतरनाक है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे फायर स्प्रिट वही अग्निस एक्सूट वाले बंदे का किल मैसेज आया, हम अंदर की साइड है, यहाँ पे और बंदे आ गए। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा। एक बंदे को नॉक किया, आगे खतरा है, इसको फिनिश डाला। कोई यहां आया था। अब यहां पे मेरे टीममेट मुझे बता रहे हैं कि उधर के साइड बंदा है, मुझे फुट्स आया, वो बंदा भाग के पीछे सट गया। यहां पे मौली थी तो मुझे लगा इधर से बंदा आएगा नहीं, लेकिन यहीं पे मैंने कर दी गलती, ग्रेनेड आया, मैंने यहां पे स्मोक किया और तभी यहां पे भाई साहब राइट साइड से एक बंदा आया, मैं लेफ्ट में आया और तभी लेफ्ट में बंदा बैठा हुआ था ऑलरेडी। अब यहाँ पे भैया कॉल कहाँ दूं कि बंदे हैं कहाँ कहाँ पे। मैरिट हो गए, टुकाई नॉक फिनिश हुआ, फिर मैं रिकॉल होके वापस आया, मेरे टीममेट ने यहाँ पे सिचुएशन संभाल ली थी दोनों ने। यहाँ पे मैंने लूट वगैरह करी अपनी MG3 वगैरह, रीलोड वगैरह मारी। अब इधर की साइड एक बंदा दिखाई दिया,
मैंने कहा पहले लेवल 3 का वेस्ट उठा लेता हूँ। अब ये वही बंदा था जिसने मुझे वहां पे मारा था बैठ के, तो यहाँ पे इसकी तो कर दी ठुकाई। और इसके पास थी भैया कमाल की लेवल 3 वाली लूट, मतलब M4 के सारे अटैचमेंट लेवल 3 के, तो भैया फुल अमीरबाजी चल रही थी यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने अपने टीममेट को बोला कि भैया मैं ना रीस्टार्ट करके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। रीस्टार्ट करके आया, नीचे साइड एक बंदे के फुट्स आ रहे और भाई फाइनली आवाज आई। मैंने MG3 ड्रॉप कर दी, मैंने सोचा MK14 यूज करता हूँ, काफी टाइम हो गया MK यूज किए हुए। मार्क पे चलो, यहाँ पे वेनम ने कॉल दिया अंदर की साइड में, बोला भैया फुट्स आ रहे हो, भाग रहा है, पकड़ो, कॉल मत दो, पकड़ो। और गेस व्हाट, ये कौन है? जोकर सेट वाला बंदा। तो यहाँ पे भाई ये आई थिंक किसी की पेटी से इसने उठाया था, लेकिन भैया हो गया यहाँ पे टोटल चार चार जोकर सेट। मैंने ये बंदा ऑल पे बोला था हेलो भाई बिग फैन, भाई बिग फैन। मैंने बोला अरे थैंक यू भाई, कैसे हो? बोलो बोलो भाई, भाग क्यों रहे थे? जंप कर लेते यार, भागना नहीं था ना तुमको? दोबारा कर देना फिर से, ऑल पे माइक करके ये सब चीजें बोली इसको। बिग फैन भाई, बिग फैन, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू भाई, लव यू। जम कर लेते यार, बात बात कर लेते, चार चार जोकर तुमको अपनी टीम में ले लेते, पूरे के पूरे चार जोकर सूट हो जाते भाई, फिर उसके बाद खेल खत्म कर देते सबका। फिलहाल के लिए भाई यहाँ पे कुर्बान हो जाते हैं। और भाई MK का लिटरली आई थिंक सो गाइस MK14 सबसे बेस्ट स्किन ग्लोरियस मोमेंट वाली है, उससे ज्यादा बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी गन की स्किन का ग्लोरियस मोमेंट है। अगर आपको लगता है कोई है तो कॉमेंट्स में उस गन का नाम बताना। फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे थे अपार्टमेंट की साइड, सामने साइड बंदे स्पॉट हुए। इसकी भैंस की क्या ही IQ लगाया इस बंदे ने भाई, जाते जाते एक बुलेट लग गई और बंदा नॉक हो गया। पहले तो वो गाड़ी पे जब बैठा तो गाड़ी पे एक भी बुलेट ही नहीं लगी, पता नहीं कैसे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस बंदे की साइड हम लोग आए, स्पॉट हाउस से हमको पड़ी। भाई MK की तो आवाज सुन के वैसे भी बंदों की आधी जान निकल जाती है जैसे DVS की। इस बंदे पे मैं रस कर रहा हूँ, लिट तो था ही ये बंदा, एक बुलेट लगी थी तो 60 HP हो गए। मॉली करी, awesome, and game over। तो आप लोग भाई देखते जाओ अभी MK का ग्लोरियस मूवमेंट, और कमेंट्स में बताते जाना भैया आपको कौन सी ग्लोरियस मूवमेंट वाली गन सबसे ज्यादा तगड़ी लगती है। अब यहाँ पे हम गड्डी लेके निकलते हैं, जोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि इधर साइड से फायर आया था और भैया यहीं पे बंदा लेटा हुआ था, इसको भर दिया मैंने। अपने टीममेट्स को बोला कि भैया तुम लोग ना पीछे से गाड़ी लेके आगे साइड आओ, इसके टीममेट यहीं कहीं होंगे, तभी सामने की साइड से फायर आया। आगे खतरा है, इसकी भैंस की, पीछे लेटा हुआ था, किसी को एक गोली नहीं मार पाया भाई, लेटे लेटे इसके मुंह के सामने घास आ गई होगी पक्का। अब लेफ्ट साइड जहां पे चल रही थी घमासान वाली फाइट, युद्ध, महासंग्राम, वहां पे हम भी जाते हैं अपना हाथ बटाने के लिए। एक बंदे को तो नॉक करके फिनिश डाल दिया, लेकिन यहां पे और भी बंदे थे और सामने दूर स्मोक हुआ था, लेफ्ट साइड भी फायर हुआ, सामने बंदा स्पॉट हुआ। आजा भाई बाहर, आगे खतरा है, नॉक किया। अपने टीममेट को बोला फिनिश मार दो भाई उसको। और ये भैया रोटेशन दे रहे थे, कम से कम वेयरवुल्फ वैम्पायर बन के रोटेशन तो देते। फिलहाल के लिए आखिरी बंदा था ये आई थिंक सो अपनी टीम का, तो ये हो गया खत्म। लेकिन अभी हमारी फाइट होने वाली है भाई साहब वही मर्मोरियस एक्सूट और जो इग्निस एक्सूट वाले बंदे उनके साथ। फिलहाल के लिए ये देखो, ये देखो फुटपाथ पे लेटते हैं भाई, अब क्या बोले हम लोग, हमारी तो कोई गलती भी नहीं भाई, हम तो गाड़ी चलाते हैं, फुटपाथ पे बंदे आ जाते हैं तो उनको कुछ चल के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हम गाड़ी लेके जा रहे थे और हमारे पीछे लग गई गाड़ी। लैम्बोर्गिनी, वो भी मास्टरपीस, मैं समझ गया ये भैया वही अग्निशक्ति सूट वाले।
दोनों बंदों को अच्छा खासा डैमेज किया। एक बंदा देखता भाई। अब ये लोग जोन के बाहर थे तो इनको जोन में आना था। मैंने अपने टीममेट्स को बोला गाड़ी फाड़ दो, इनकी गाड़ी पूरी फाड़ दो। इन्होंने गाड़ी फाड़ दी एक, लेकिन एक गाड़ी बच गई। एक बंदा स्पॉट हुआ लेफ्ट साइड। चुप है चाप, राइट साइड से निकल जाते भाई। लेफ्ट साइड फ्लैंक दे रहे थे। भाई इस बंदे को डैमेज किया। अरे यार, दो बंदे यहाँ पे हमारी आंखों से बच के निकल गए, आंखों के सामने से। फिलहाल के लिए मैंने सोचा कि इनका पीछा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जोन 30 सेकंड में शुरू होने वाला था। दोनों बंदे डैमेज थे, दौड़ रहे थे दो बंदे। जोन साइड ही मैंने अपने टीममेट को बोला गाड़ी चलाओ, चलो बंदों के पास भरते इनको। एक बंदा नॉक हुआ, अपने टीममेट को बोला कि चलो गाड़ी घुमाओ, तभी गाड़ी का तेल है खत्म। इसकी भैंस की लो, हो गया खेल खत्म। अब यहाँ पे भाई गाड़ी में तेल होता तो उनको आसानी से खत्म कर देते, लेकिन यहाँ पे गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया और वो बंदे बच गए, और यहीं से भैया गेम पलट गया। पेड़ के लेफ्ट में एक ओपन। इनको जोन में आना था तो हमें पता था ये वैम्पायर बन के ही आएंगे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, ये जोन के अंदर आ गए थे और पत्थर में जोन अभी भी था, लेकिन जोन अब इनके पास से कट गया था। हम देख रहे हैं इतने ही बचे। अपने टीममेट्स के फाइव की बुलेट ली। अब मेरे को ये चीज तो पता थी, एक बंदा कवर देगा, एक बंदा उड़ के जाएगा और जैसे ही मारने का ट्राई करूंगा तो नॉक हो जाऊंगा। इसीलिए मैं भाई कवर फायर किया, मैंने उसको डैमेज किया। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि इधर साइड आ जाओ, क्योंकि जो चमगादड़ बन के आया रोटेशन दे देगा, खेल खत्म हो जाएगा, और पीछे की साइड थोड़ा देखे रहना और बंदे ना हो। तभी यहाँ हमारे सर के ऊपर एक बंदा पहले से बैठा हुआ था। बुल्फ वाला भी आ गया, वो पीछे वाला। अब यहाँ पे हम चारों तरफ से घिर गए। लेटा लेट। मैंने जल्दी से स्मोक किया। भाई ये तो गलत ही सीन हो गया, पीछे की साइड से एक बंदा आ गया मरमोरी से। डैमेज किया इसको भैया, दूसरे वाले मिस्टर साइबर स्क्वाड को खा गया। अब यहाँ पे सीन पूरा गड़बड़ हो गया। मेरे पे जितने स्मोक थे मैंने जल्दी जल्दी से बिछा दिए, मेरे को बस इंतजार था कि कोई तो आ जाए। और मेरे MK में बुलेट भी 10 थी, 10 बुलेट, 10 5 बुलेट नहीं, 10 बुलेट। मेरे पे एक लॉक भी है। यहाँ पे वैनम को मैंने बोला पीछे की साइड रहे आराम से, इसको जोन के अंदर नहीं आने दे सकते, क्योंकि अगर ये जोन के अंदर आ गया दिक्कत हो जाएगी। मैं वेट कर रहा था इसके आने का, और ये भैया यहाँ पे फर्स्ट एड लगाने लगा जोन के बाहर बैठ के। मैं आया, बंदे भरने चालू किए, आगे खतरा है। M4 में रेड डॉट लगाया। मैंने वैरन को बोला आ जा मेरे पास आ जा। अब यहाँ पे पीछे के साइड मेरे ख्याल से वैम्पायर का डैश आया था, लेकिन जोन से वो मर गया। यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ था, मैंने बोला हिल मत बिल्कुल, अरे मैं देख लूंगा हिल मत आराम से। हेलो भैया, इसका तो हो गया बेचारा, धीरे धीरे दबे पांव आया, इसको लगा ऊपर की साइड बंदे होंगे, उधर साइड देखने लगा। तब तक यहाँ पे वेनम रिवाइव और यहाँ पे इसकी पेटी बना दी। तो आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट्स में बताना, और भैया फुल सेट के साथ M4 फुल 16 कैसी लगी, और MK14 के ग्लोरियस मोमेंट से ज्यादा बेटर क्यों, कौन सी गन का ग्लोरियस मोमेंट आपको लगता है? और भाई दोनों एक्सूट को अच्छे से ठोका बजाया तो उसके लिए भी एक लाइक बनता है। मिलते हैं और नए कमाल के गेम प्ले में। भैया सब लोग खतरनाक खेल रहे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।